गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम मैथ्स का अपना चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे। हम इसमें अपनी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने आपको होमवर्क से दिया था, तो अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, उसे चेक कर लीजिएगा, और नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम। कैन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम वाई और वाई नॉट। क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स का मेजरमेंट, तो क्या इससे ये पता चलता है कि ये पैरेललोग्राम है, और अगर हैं तो क्यों हैं, नहीं हैं तो क्यों हैं। तो देखो ए वाला, ए में क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी के डी सी के इक्वल है, वो कितने हैं 6 सेंटीमीटर, और ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें चारों साइड्स का मेजरमेंट तो दे रखा है, बट देखो ये 0.5 कम है, 0.5 सेंटीमीटर कम है किससे, ए डी से। और हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट ये तो नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। और आप इसका क्या रीज़न लिखोगे, दिस इज इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज their sides measurement are not equal। फिर B देखो, angle B equal to 80 degree दे रखा है and angle D equal to 80 degree, तो ये opposite angles हैं और equal भी हैं, तो that means ये parallelogram है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि opposite angles जो होते हैं parallelogram के वो equal होते हैं, तो ये opposite angles हैं और equal भी हैं, तो इसका मतलब ये parallelogram है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच फिगर। यहाँ पे एक्स है, वाई और जेड है, इनकी वैल्यू निकालनी है। चलो करना स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हम पहले सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। मैं फिगर रफली ड्रॉ कर रही हूँ, बट आपको फिगर स्केल से बनाना है, ये नहीं कि आप भी ऐसे ही ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक ही लाइन जाएगी, वाई आ जाएगा, यहाँ पर 80 डिग्री है आपके पास, ये एंगल आपका एक्स है, एंड देन ये एंगल आपका 40 डिग्री, और यहाँ जेड। तो देखो आपके पास ये 80 डिग्री है, ये एंगल जो कि क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले एंगल, इस ट्रायंगल के लिए पूरे, है ना। तो आपको ये एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, क्योंकि ये दोनों ही एंगल नहीं दे रखे हैं, तो कैसे निकालोगे ये एंगल। हम ये एंगल निकालेंगे अल्टरनेट एंगल्स के रूल से। तो देखो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ए प्लस 80 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे रीज़न, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। फिर ये हमने लिख दिया, तो अब इसमें हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 100 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर है। देन फिर उसके बाद देखो 100 डिग्री आपका आंसर आ गया, तो ये हमारे पास 100 आ गया, तो ये 100 आ गया, तो एक्स भी 100 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, तो आप रीज़न क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीज़न भी लिख देती हूँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स हो गया 100 डिग्री, तो एक्स हमने निकाल लिया, अब वाई निकालना है।
तो जो ये देखो 40 डिग्री है, और ये जो एंगल y है वो भी 40 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों होगा? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल हैं। तो हमने y भी निकाले, अब z निकालें। तो देखो ये जो पूरा है ये ट्रायंगल बन रहा है PQR। तो आप क्या करोगे, एंगल A प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा? तो आप यहाँ रीज़न लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगाओगे आप तो इससे 180 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल ए कितना है आपका, कितना निकाला था हमने, 100 डिग्री, प्लस एंगल वाई कितना है, 40 डिग्री, और एंगल जेड को जेड ही लिख देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 100 प्लस 40 140 डिग्री हो गया, प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये 140 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल जेड कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो आपने देखा हमारा एंगल जेड कितना आ गया, 40 डिग्री। तो ये है आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन। तो देखो इसमें एंगल एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया और जेड भी निकल गया, तो हमें ये तीनों ही निकालने थे। तो बाकी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।